स्वतंत्रता के पूर्व से आज तक भारतीय रेलवे अनेकों उतार चढ़ाव के बाद अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय रेलवे प्रतिदिन 2.5 करोड़ लोगों को यात्रा कराती है। कुछ पहलुओं पर भारतीय रेलवे की आलोचना भी होती रही है और यही आलोचनाएं रेलवे के निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। आज के टुडेज एग्जामिनेशन पॉइंट में हम भारतीय रेलवे के निजीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। रेलवे के निजीकरण पर चर्चा की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर भारत में रेलवे की विकास यात्रा क्या रही है। भारत में पहली रेलवे 16 अप्रैल 1853 में शनिवार के दिन मुंबई से ठाणे के बीच तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। इसके बाद साल 1900 में भारतीय रेलवे तत्कालीन सरकार के अधीन आ गई और साल 1925 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला के बीच चलाई गई। समय बीता और वक्त आया 1947 का। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को एक पुराना रेलवे नेटवर्क भी विरासत में मिला था, लेकिन विडंबना यह भी थी कि बंटवारे के साथ देश में पूर्व विकसित 40% रेलवे नेटवर्क भी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। इसकी कमी से पूर्व में विकसित कुछ क्षेत्रों में रेलवे लाइनों को बिछाने की आवश्यकता महसूस की गई। इस कार्य को आगे बढ़ाने के साथ साथ साल 1952 में रेलवे को कुल 6 जोन्स में बांट दिया गया। आधारभूत उद्योगों के विकास के एजेंडे के तहत रेलवे संबंधी उत्पादन भी देश में ही किया जाने लगा। समय के साथ रेलवे विकास की पटरी पर दौड़ती हुई नजर आने लगी, लेकिन विकास के साथ साथ इसके संचालन और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आने लगी। इन चुनौतियों से निपटने के तमाम उपायों में से कुछ विशेषज्ञों ने इसके एक विकल्प के रूप में निजीकरण को भी देखा। लखनऊ से दिल्ली के बीच साल 2019 में चलाई गई भारत की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस रेलवे के निजीकरण की दिशा में उठाया गया एक ऐसा ही कदम था। अब तो कुछ हद तक आप निजीकरण को समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जब किसी विशेष सार्वजनिक संपत्ति या कारोबार का स्वामित्व तो सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्था को दे दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को ही निजीकरण कहा जाता है। इसमें यह भी हो सकता है कि संपत्ति के अधिकारों का हस्तांतरण विक्रय के बिना ही हो जाए। कहने का आशय है कि जो क्षेत्र अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में आरक्षित था, अब उसमें निजी क्षेत्र के प्रवेश की सहमति मिल जाएगी। रेलवे के निजीकरण के कारणों में बुनियादी ढांचे, आधुनिक सेवाएं, टिकट चेकिंग, रेल यात्रियों को संतुष्ट करने में असफल, रेल दुर्घटना और सबसे बड़ी चुनौती समय पर ट्रेनों का परिचालन न कर पाना प्रमुख है। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए निजीकरण के पक्ष में जानकारों का कहना है कि इससे बुनियादी ढांचे में बेहतर सुविधा, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, टिकटों की सही बुकिंग और कंफर्मेशन, ट्रेनों का समय पर परिचालन, वाजिब किराया, समय समय पर ट्रेन व कोचों के रखरखाव जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत कोचों का निर्माण किया जाएगा जिसमें स्थानीय घटकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार के पास रेलवे का स्वामित्व रहने से लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी मिलेगी, जबकि निजीकरण होने पर निजी कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होगा। इसके अलावा निजीकरण से रोजगार में कमी के साथ साथ सुरक्षा का भी खतरा होगा, क्योंकि निजी कंपनियों में विदेशी कंपनियों की भी साझेदारी होती है। अपनी बेहतर तैयारी के लिए आप देखते रहें टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट।